कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 इसका हम सातवां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी है 7 और इसका 22वां पद है 149। तो जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। हमें उस एपी के प्रथम 22 पदों का, इसका मतलब हमें एन दे दिया गया है 22। उसके बाद जिसमें डी बराबर है 7, डी हमें दे दिया गया है 7 और 22वां पद यानी कि ए एन यानी कि ए 22 दे दिया गया है 149। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग यानी कि हमें एस 22 निकालना। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें एन दिया, डी दिया, ए 22 दिया, लेकिन एपी का प्रथम पद यानी कि ए नहीं दिया। तो सबसे पहले हम ए ज्ञात करें। ठीक है, ए एन का फार्मूला हमें दिया हुआ है, हमें पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो एक ए एन कितना दिया हुआ है 149, यह बराबर होगा ए, ए हमें नहीं पता, एन कितना है 22 माइनस ए गुना टी, टी गुना 7। अब देखो सब कुछ पता है, सिर्फ ए नहीं पता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। यह 149 बराबर ए प्लस 22 में से एक निकाला, 21 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 147। 21 गुना 7, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 147। अब 149 147 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और यहाँ बच गया ए, तो ए इसके बराबर आ गया, 149 में से 147 माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। अब हमें देखो ए पता है, डी पता है, एन पता है, अब हमें एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन का फार्मूला आपको सभी को पता है, एन बटा 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, एन हमें दिया हुआ है 22 बटा 2 गुना 2 इंटू ए, ए हमारे हमने निकाला है 2 प्लस एन, एन कितना है 22 माइनस ए गुना डी 7, डी है 7। इसे हम हल करेंगे, देखिए 2 से 22 कट जाएगा 11 और यहाँ पर आ गया 2 3 4 प्लस 22 से एक निकाला, 21 को 7 से गुना किया तो 147, और यह हमारे पास आ गया 11 गुना 147 में 4 प्लस कर दिया 151। तो हम इसको गुना भी कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 11 एकम 11 हासिल आया, 11 पांचे 55, 55 और 1 56, 6 लिख दिया हासिल आया 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। इसका मतलब इसका एस एन और एस एन मतलब इसका 22वां पद यानी पहले 22 पदों का योग, तो हम यहां लिख देंगे पहले 22 पदों का योग, यह बराबर है 1661। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का हल है।